हेलो दोस्तों, डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी का दूसरा ट्रेलर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, भारी भरकम गाजे बाजे के साथ रिलीज हुआ ये ट्रेलर इस समय खूब ट्रेंडिंग पर है। महाभारत काल की जिस कहानी को दिखाया गया है इसमें, वो भविष्य तक आपको ले जाएगी। ये यात्रा भविष्य तक की होगी। हो सकता है इसमें टाइम मशीन का भी प्रयोग किया गया हो, हो सकता है कि इसमें उस समय का दौर दिखाया गया हो जब सभ्यताएं नष्ट हो गई हो और एक अकेला इकलौता शहर काशी, जो इतना प्राचीन है, जो पहले दुनिया में सबसे पहले वही था और अंत दुनिया के अंत में वही शहर बचा हुआ है, लोग किस तरह से वहाँ सर्वाइवल कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर दुनिया में खूब सारी बुराई फैल चुकी है, बुरी ताकतों का आगाज़ हो गया है और उन्हीं बुरी ताकतों को रोकने के लिए कल्क का अवतार होने वाला है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये अवतार हो ही ना। अमिताभ बच्चन का संवाद देखिए, जहाँ पे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भगवान जो है सृष्टि बनाते हैं और तुम्हारे अंदर तो स्वयं भगवान है। इसके अलावा कमल हसन का किरदार कली कहता है कि जो इंसान है उनकी फितरत बदलने वाली नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तुम्हें कई मौके आए लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। ऐसे संवादों के साथ भरी ये फिल्म, जिसको नाग अश्विन ने बनाया है, प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन, ब्रह्मानंदम जैसे सुपरस्टार कलाकारों ने इसमें काम किया है। 600 करोड़ का बजट और इतना भयंकर VFX कि मान के लीजिए ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर देने वाली है। लास्ट वाला सीन जो ट्रेलर में दिखाया गया है उसको आप मिस बिल्कुल मत करना। बाकी जो है सारे जो भी अन्य सहायक कलाकार हैं उनकी मौजूदगी इसमें बहुत ही अहम रहेगी और उनकी उपस्थिति भी अहम होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किरदार इस फिल्म को एक बड़ी और लार्जर देन लाइफ वाली फिल्म बनाएंगे। बाकी फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो देख डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।